हेलो, गेम ऑफ थ्रोन्स देख इन शब्दों के तो जीवन भर पछताएगा। मेरे पास से वो तूफान है जो पांडवों को उड़ा के ले जाएंगे बाजी। तुम बस देखते रहो बाजी, और मेरी तरह सोचो पाकिस्तान मोचो। इस कहानी में किसी ने मुझे हाथ भी लगाया तो अनर्थ हो जाएगा। दुकान खोला है, इसका दंड अवश्य मिलेगा तुम्हें। ये वचन है एक ब्राह्मण का, वचन है। इस कहानी में किसी भी मुश्किल से बाहर निकलने का जुनून है। यदि यदि तुम्हारे शत्रु का नाश हो सकता है तो तुम्हारा भी नाश हो सकता है। ये लड़के बोलेगा और सभी को सुनूंगा मैं। ये सारी धूप देखी है मैंने और छाऊंगी। इसके किनारों पे काले बादल जैसे मन देख रहे हैं और नाम है अनुराग पांडे। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए आप सभी के लिए। प्लीज गो बी गैंड, जोरदार तालियां, कम ऑन। अरे आवाज कर लो यार। यस, यहां से दिलीप साहब की तालियां आ रही हैं। बिल्कुल, तो चलिए जी। कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दुनिया में अगर कोई व्यक्ति है, कोई इंसान है, कोई ह्यूमन बीइंग है जो आपको बताता है कि भगवान क्या है, गीता क्या है, रामायण क्या है, भागवत क्या है, महाभारत क्या है, वो है आपका गुरु। और पहली गुरु होती है आपकी माँ, इसलिए उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। प्लीज गुड बिगन, जोरदार तालियां। तो चलिए माँ की महिमा। और आज मैं यहाँ पर बहुत सारे कलाकारों को आमंत्रित करूंगा कुछ समय के बाद, लेकिन बताना चाहूंगा कि 7 साल पहले रामायण के जरिए फीवर प्रस्तुति रामायण के जरिए आप सभी से मुखातिब हुए थे। और एक से बढ़कर एक रेडियो ड्रामा लेकर आया, चाहे सस्पेंस हो, हॉरर हो। और उन 7 सालों में हम लोगों ने जो आपसे प्यार पाया वो वाकई काबिल तारीफ है। इस समय हिंदुस्तान के कोने कोने में, दुनिया के हर कोने में लोग इस समय लाइव देख रहे हैं टीवी के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, लेकिन सबको मैं एक बार फिर से तहे दिल से फीवर 104 एफएम की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा उनके आशीर्वाद के लिए, उनके प्यार के लिए। और ये प्यार आप हमेशा बनाए रखें यही चाहूँगा। आफ्टरनून एवरीबॉडी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेंडिंग योर टाइम एंड बीइंग हियर टू ग्रेस दिस ओकेशन। वी आर वेरी वेरी ग्लैड दैट वी हैव प्रेजेंटेड महाभारत टू यू। फीवर एज अ ब्रांड वी हैव बीन प्रेजेंट इन 13 सिटीज अक्रॉस द कंट्री एंड वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग रेडियो ब्रांड currently. And Fever, we could build the brand on the basis of lot of innovations that we have been doing over a period of time. And particularly the radio drama I would like to highlight.
So right from Ramayan that happened, from the same team that you have seen, to all that I interacted during the afternoon, I have introduced the team of Gaurav Sharma and Sumanto to you. Both of them have been creating these radio dramas right from the last 7-8 years, starting with the Ramayan. And it is not only devotional space where we delivered Ramayan and many other devotional products like Bal Gopal, etc. We have also ventured into even crime and horror, etc. So we have done many of the first of its kind in radio industry. So in line with the same, when we were thinking what next, what could be one more big product that we can deliver under radio drama, obviously Mahabharata came into our discussions. And it is not an easy project to pull off, but we are very proudly, we produced it, and startling, the star cast is a very, very powerful star cast has been assembled. And of course, we will, you know all of them, and of course, you will see them now during the evening as we progress. So it has been a jewel in the offerings of Fever as a brand. And we have already been receiving a lot of engagement on the product, a lot of listeners very passionately listening to it, not only listening to it, but also reacting to it, sending us a lot of comments and the posts on the quality of the production and the quality of the content, the writing. I was amazed, even few listeners were pointing out one or two words that they liked, etc. So it has been a great production, and we are very proud that we have presented Mahabharata to all of you. So का भीष्म पितामह कहते हैं। जी हाँ, एक बार जोरदार तालियों से मिस्टर गौरव शर्मा, प्लीज गिव अ हैंड, जोरदार तालियां गौरव के लिए। ओह, क्या बात। एंड साथ ही साथ में नेशनल क्रिएटिव हेड, जिनके डायरेक्शन में रामायण, महाभारत और जितने भी हमारे यहां पर रेडियो ड्रामा बने हैं उनके डायरेक्शन में बने हैं, मल्टी टैलेंटेड, मतलब मैं कहता हूं कि रेडियो की इंडस्ट्री में शायद एकमात्र ऐसा कलाकार है जो म्यूजिक जानता है, जो डायलॉग। तालियों से सुमंत के लिए, कम ऑन, वन एंड ऑनली सुमंतो। ओह क्या बात। तो चलिए जी, मैं काम करता हूं कि ये जो हमारे दो महानुभाव हैं, इनकी बदौलत आज हम लोग महाभारत सुन पा रहे हैं और ये सक्सेस पार्टी मना रहे हैं। अब मैं सब कलाकारों को बुलाऊं, मैं बुलाऊं, या तो काम करते हैं हम लोग रेडियो के अंदाज में बुलाते हैं। तो चलिए आइए, ऑडियो सुनते हैं और उस कलाकार को यहां पर इन्वाइट करते हैं। ये भी वो आइए। मैं भी कभी देख सकती थी। साथ एक बार जोरदार तालियों की, पीछे तक, कम ऑन, वेलकम जयदीप, बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज सिट। एंड नाउ नेक्स्ट परफॉर्मर। दुशासन और दुर्योधन के दुष्कर्मों के लिए मुझे मत कोसो। माना ये सच है कि गुरु अनगढ़ पत्थर को भी तराश सकता है,
पर हर पत्थर से भगवान नहीं गढ़े जाते। मेरी विद्या ने सबसे अनोखी जीवित प्रतिमा की रचना की है और वो रचना अर्जुन, उस सर्वश्रेष्ठ रचना का शिल्पी हूं मैं। मैं हूं गुरुश्रेष्ठ आचार्य द्रोण। जबरदस्त अभिनेता दिलीप ताहिल, जोरदार तालियां दिलीप के लिए। एंड नाउ नेक्स्ट। मैंने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार, तब आपकी नीति कहां गई थी? जब भरी सभा में दुर्योधन ने द्रौपदी को अपनी यही जंघा दिखाई, तोड़ दी। मैंने तोड़ दी वो जंघा। जो मैंने किया, यदि आप उसे अधर्म समझते हैं तो यही सही। मैंने अधर्म किया, क्योंकि सिर्फ मैंने ही द्रौपदी को भारत। जी हाँ, देवों के देव राहुल देव इसमें हमारे साथ में हैं। एंड अब कौन कलाकार होगा? अच्छा, मेरी बुद्धि में किसी भी योद्धा के तलवार से अधिक धार है। मेरे पास सिर्फ चौसर का खेल ही नहीं, अधिक विनाशकारी है। मेरे भीतर तितकती प्रतिशोध की अग्नि बड़े से बड़े राज्य को जलाकर मिट्टी में। भारत, शक्ति और महाशक्ति का समन्वयन, शक्ति कपूर आप सभी के बीच में शकुनी की भूमिका में। जी हां, महाभारत। आज इस सभा में केवल इस पांचाली का वस्त्र हरण नहीं हुआ, बल्कि संपूर्ण स्त्री जाति की अस्मिता को निर्वस्त्र किया गया है। आज इस सभा में स्त्री को देवी मानकर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े होने वाले ने उन्हीं हाथों से इस पांचाली को केश से पकड़ने का अपराध किया है। फीवर प्रेजेंट्स महाभारत। जोरदार तालियां शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के लिए, जोरदार तालियां। ऑफ कोर्स। नेक्स्ट। मैं भरतवंशी गंगा पुत्र देवव्रत, धरती आकाश समस्त ग्रहों नक्षत्रों और दसों दिशाओं को साक्षी मानकर अपने संपूर्ण संचित आत्मबल से प्रतिज्ञा करता हूं कि निषाद पुत्री से अपने पिता मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा। मैं देवव्रत प्रतिज्ञा करता हूं कि चाहे धरती आकाश और सारे नक्षत्र अपने स्थान बदल लें, मेरी ये भीष्म प्रतिज्ञा नहीं टलेगी। सुनिए शत्रुघ्न सिन्हा को। हिंदुस्तान का एकमात्र सुपरस्टार शत्रुघ्न सिन्हा के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। प्लीज गिव हिम हैंड्स, जोरदार तालियां शत्रुघ्न सिन्हा साहब के लिए। जी हां, तालियां बसती रहनी चाहिए। बहुत बढ़िया। आप सभी को बताना चाहूंगा कि कृष्ण की भूमिका में शान है एंड आकाश की भूमिका में जो सूत्रधार हैं विजयराज, वो आज हमारे साथ में यहां पर नहीं आ पाए हैं, लेकिन लाइव देख रहे हैं पूरा शो को। बहुत मिस कर रहे हैं हम लोग उनको एंड विवेक ओबेरॉय बस आने ही वाले हैं, तो चलिए उनका इंतजार करेंगे हम लोग। लेकिन साथ ही साथ में आपको बताना चाहूंगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है किसी भी
चीज को बनाने के लिए वो होते हैं हमारे सहयोगी। उनमें से मैं कुंती की भूमिका में करुणा वर्मा को एक बार रिकॉग्नाइज, एक बार जोरदार तालियां चाहिए करुणा जी के लिए। अर्जुन की भूमिका में चैतन्य आदिव, विदुर की भूमिका में संजीव, एंड ये टीवी इंडस्ट्री के लोग थे लेकिन वॉइस इंडस्ट्री में धृतराष्ट्र की भूमिका में समेट गंगा पूजा पंजाबी, जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए। एंड साथ ही साथ में इस पूरे महाभारत को हजारों बार लाखों बार लिखा गया है, पढ़ा गया है, देखा गया है, लेकिन लेखनी बहुत कमाल की होती है, तो ये लेखनी के लिए इतने सारे। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर गोल्डी नागदेव जी को, मैंने के बीच में यहाँ मौजूद हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि शिल्पा शेट्टी जी आज हमारे बीच में, उनका स्वागत पुष्प गुच्छ से करें प्लीज। Very lucky day for me, and though world's most gorgeous lady has accompanied me, she's there, Pooja. I would want her to join. Aaiye Pooja ji. Sir ji, ये महाभारत का अपना एक experience रहा, अनुभव रहा, और इतनी बड़ी जर्नी रही हम लोगों की, आपके लिए कैसा रहा और आपके लिए महाभारत क्या है? मेरे लिए महाभारत बहुत स्पेशल, या सो यू नो, या ऑफ कोर्स, सो आई थिंक देयर इज लॉट टू लर्न। आप इसको जितनी बार पढ़ें, जितनी बार देखें, उतना अच्छा है। रेडियो, जब हम रेडियो पे कोई चीज़ सुनते हैं तो वर्ड्स आर प्लेन वर्ड, ऑल दीज ग्रेट पर्सनैलिटीज, यू नो द वर्ड्स गेट विजुअली चार्ज, आप उनको फील कर सकते हैं, उनको सुन सकते हैं, दे गेट द राइट डेप्थ। सो आई एम फॉर्चुनेट दैट वी हैड दिस अपॉर्चुनिटी टू एसोसिएट विद दिस ग्रेट एपिक। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल द फीवर टीम। जोरदार ताली होनी चाहिए। सर जी, यही मौका है। शत्रुघ्न सिन्हा साहब, अरे वाह, ये बात नहीं, बहुत अच्छी बात, अच्छी बात है। नहीं, आप रहिए, फोटो भी आएगी साथ में। नमस्कार सर, एक्चुअली आप लोगों की आवाज़ के सामने तो हमारी आवाज़ कुछ नहीं है, तो आपकी आवाज़ सुनने के बाद हम लोग को थोड़ा इन्फीरियरिटी हो गई है कि आपके सामने कैसे बोलें, फिर भी कोशिश करते हैं थोड़ा सा। हेलो एंड गुड आफ्टरनून वन एंड ऑल, आई लक्ष्मी नारायण पिक विथ फीवर FM, ए काइंड ऑफ DTH डायरेक्ट टू हार्ट अप्रोच, एंड वी आर हैप्पी टू चूज फीवर FM टू प्रमोट अवर ब्रांड। फीवर FM लोगो स्लोगन से नंबर वन तो नंबर वन होता है। आई वुड लाइक टू ऐड, आई इससे ज्वाइन करने वाला भी नंबर वन होता है, दैट इज़ पावरटेक टूल्स ने भारत के लोगों की पहली पसंद। पावरटेक से लाइफ मस्त है, और महाभारत से जुड़ने के बाद लाइफ और भी मस्त हो गई है। थैंक यू। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी। एंड हमारे बीच में विवेक ओबेरॉय आ चुके हैं, क्या बात, जोरदार ताली होनी चाहिए। लेकिन विवेक ने जो परफॉर्मेंस दिया है, इट वॉज फैंटास्टिक। मतलब मैं रिकॉर्डिंग में था उस समय, मैंने बाद में सुना जब आप चले गए थे। मैं चाहूँगा प्लीज़ एक बार ऑडियो प्ले कीजिए, क्योंकि हमने सबके इंट्रोडक्शन में ऑडियो प्ले किया था, और आपकी एंट्री बिल्कुल भगवान शिव की तरह हुई। जय हो, आदि अनंत हैं। यस, आइए। हाथ की रेखाएं झूठ है, झूठ है, परिस्थितियों का रुदन झूठ है, झूठ है, यदि कुछ सत्य है तो वो है इच्छा शक्ति। यदि इच्छा शक्ति हो तो अपनी हाथ की रेखाएं स्वयं बनाई जा सकती है। यदि इच्छा शक्ति हो तो मोड़ा जा सकता है। यदि इच्छा शक्ति हो तो नाम, वर्ण और जाति जैसे ढकोसलों को झुटलाया जा सकता है। क्योंकि अगर मैं सूत पुत्र कर्ण अपनी इच्छा शक्ति और संकल्प के बल पर कुछ भी कर सकता है। सुनिए विवेक ओबेरॉय को अंगराज कर्ण की भूमिका में, ओनली ऑन फीवर प्रेजेंट्स महाभारत। क्या बात है विवेक, ये हमारे माई बाप लोग हैं, ये मालिक टाइप का आदमी है, यही चाहेंगे। हाँ बस समझ गया, रिकॉर्डेड है, ये मालिक टाइप का आदमी है। अरे नहीं, ऐसा मत बोला यार
एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई, जितने मालिक टाइप के लोग हैं प्लीज आप लोग तालियां बजाते रहें। ओहो मैं सौरव मिश्रा जी को फिर से एक बार आमंत्रित करूंगा राहुल देव जी के स्वागत के लिए। सौरव मिश्रा जी नेशनल प्रोग्रामिंग डायरेक्टर। हेलो हेलो, मतलब हॉट हो गया आज पुष्प कृष्ण। अरे दिलीप ताहिल का जन्मदिन है तो दिलीप ताहिल जोरदार तालियां। थैंक यू थैंक यू एवरीवन। ओके एवरीवन, बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे दिलीप जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। दिलीप जी आपको मालूम नहीं है कोऑर्डिनेट करते करते कितनी मेहनत लगी है। और ये एक पहले कलाकार है हिंदुस्तान के जो पिछले हफ्ते शूटिंग कर रहे थे, इनको कोई सीक्वेंस ऐसा करना था तो इन्होंने लिखवा के वो सीक्वेंस किया और सीक्वेंस बहुत शराफत का था, बलात्कार का, रेप का। तो ये पहले एक्टर है जिन्होंने राइटिंग में सब कुछ लिया, होने के बाद उसका वीडियो किया और उसके बाद शांतिपूर्वक रात को सोए और कहीं से कोई फोन नहीं आया। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे। बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दिलीप जी नसीब समझिए कि शक्ति कपूर साहब ने अपने करियर में ये काम नहीं किया, वरना दो फ्लैट और खरीदने पड़ते, वो जगह होती जहाँ पे ये सब कागज़ पड़े होते और कम से कम 10-12 टीवी बीवी क्या बोलते हैं, टीवी होती ना,